दोस्तों हमारे सेट पे माननीय चंद्रेश मेहता साहब जो निर्माता भी हैं भोजपुरी के बड़े बड़े फिल्म का भी निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे सेट पे हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। दो शब्द आशीर्वाद दीजिए। आज यहाँ लखनऊ में फिल्म अपना बना लो की जो शूटिंग प्रारंभ हुई है उसमें मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। इस दौरान मेरे को यहाँ पर सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर रेल जी, साथ ही डायरेक्टर चंदन सिंह जी और साथ ही इनमें समर सिंह जी, और इसमें जो मुख्य भूमिका और भी निभा रहे हैं इसमें है गिरीश शर्मा जी, निशा दुबे जी और कल्पना पाठक जी से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया जोशपूर्ण वातावरण है और जिस तरीके से इसका प्रारंभ हुआ है लगता है ये पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट होगी और पूरी टीम में जोश है और इस पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। इसमें चंदन सिंह जी से भी हमारी बात हुई थी और इनके प्रोड्यूसर से भी मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने कुछ बातें मेरे से की थी कि भाई फिल्म इस तरीके का निर्माण हो रहा है। अभी दो तीन दिन पहले ये हमारे यहाँ लखनऊ ऑफिस में भी आए थे, तो उस दौरान उनको भी मैंने कुछ बातें कही है, उन्होंने भी कुछ चाहा है कि फिल्म के लिए आप देखिए साथ में किस तरीके से क्या और फिल्म सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या और, तो काफ़ी कुछ हमारी फाइनेंशियल बातें भी हम लोगों की आपस में हुई है। उन बातों को देखते हैं भविष्य में साथ में किस तरीके से और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल हैं, यहाँ लोकल हमारा ऑफिस भी है, तो इनको भी कभी कोई भी सहयोग लगे, कोई भी ये हो, इवन इनको ही नहीं कोई भी भोजपुरी के जो बाहर से आते हैं और उनको अगर कोई भी वास्तविक ऐसा सहयोग लगता है जायज हो तो बिल्कुल हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो बिल्कुल किसी भी भोजपुरी के निर्माता को मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, ये हमारा कॉमर्शियल ये नहीं है, लेकिन एक अलग सेवाओं में और एक जो सहयोग हो सकता है एक प्रोडक्शन हाउस का दूसरे प्रोडक्शन हाउस को, वो सब हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा के बाद अगर मान लो इंडिया में कोई सबसे बड़ा सिनेमा अगर मान लो है तो वो है भोजपुरी सिनेमा। उसकी क्वांटिटी जो है वो निश्चित रूप से हिंदी सिनेमा से काफ़ी अधिक है, थोड़ा सा क्वालिटी की और थोड़ा अगर सभी निर्माता और सभी इसके प्रोडक्शन हाउस ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इस भोजपुरी का भविष्य बहुत 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 ही उज्ज्वल है। ये खाली इन्हीं निर्माताओं को नहीं जो भोजपुरी का काम करते हैं, बाकी और निर्माताओं को भी मैं या प्रोडक्शन हाउस को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के अलावा इस और भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत स्कोप है और बहुत अच्छा मार्केट है भोजपुरी का। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। हमने लखनऊ में यहाँ पर 6 महीने पहले यहाँ पर अपना ऑफिस स्थापित किया था और यहाँ हमारे पास सभी ड्रैगन, एपिक, एरी सभी कैमरे और कुछ लाइट्स की भी व्यवस्था वगैरह है, ये भी हम लोग यहाँ पर किसी को अगर चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं। दर्शकों से यही कि भाई ये जो पिक्चर है ये बहुत बढ़िया चले यहाँ पर और लखनऊ में भी और भी जिन लोगों को प्रोडक्शन, यहाँ पर काफ़ी पिक्चरों का प्रोडक्शन हो रहा है भोजपुरी और सभी लोग बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही उनका उत्साह बना रहेगा। और हमारे योगी जी जो हैं वो भी प्रयासरत है कि भाई यूपी में बहुत अच्छा यहाँ पर फिल्म निर्माण का काम हो, तो उसकी ओर अग्रसर है। तो सभी दर्शकों से कि भाई इस पिक्चर के लिए भी मैं कहूँगा कि वो ज़रूर इसको देखें। एज ए प्रोड्यूसर अभी हमारी जो फिल्म है वो है गौतम गोविंदा के अलावा हेलो पापा, मेरे पापा की शादी में जरूर आना, नसीहत और एक और पिक्चर आ रही है वो है किंग। हाँ, ये नसीहत पिक्चर भी हाल ही में नेपाल में शूट हुई पूरी कंप्लीट पिक्चर, और दूसरी एक किंग है पिक्चर, उसमें हम लोग उसमें भी साथ में सम्मिलित हैं।